हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीएम जग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज लेकर आए हैं हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियों के ऐसे प्रश्न जो सन 2018 में एलडीसी और एसआई एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रश्न। लोकोक्ति व मुहावरों के प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, ये प्रश्न एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया। तो दोस्तों हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन भी ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। हम इनमें वास्तविक जो अर्थ है वही हमें ऑप्शन में सही करना है। तो पहला ऑप्शन है ईद पर चांदी काटना। दूसरा ऑप्शन है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद पर चांद को ले आना। ईद का त्यौहार मनाना। तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अर्थात इसमें बे ऑप्शन सही होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दूसरा प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर। ये प्रश्न भी एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। तीसरा ऑप्शन, लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। चौथा ऑप्शन, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होगा। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। तो इसमें बे ऑप्शन सही होगा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, वाक्य का एक हिस्सा होता है, वाक्यांश मात्र होता है। तीसरा प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, ये प्रश्न भी एलडीसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं, भ्रमित करना, बहलाना, मीठी बातें करना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा द, सही ऑप्शन होगा हमारा द, अच्छी बातें कहकर बहकाना। चौथा प्रश्न है, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत उद्यम यानी शरारत करने का सही मुहावरा है। तो हमारे पास चार मुहावरे हैं, सिर मारना, सिर पर भूत सवार होना, मार धाड़ करना, सिर पर उठा लेना। तो इनमें चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका अर्थ है बहुत उद्यम मचाना, बहुत शरारत करना। तो इस अर्थ का जो मुहावरा होगा वो हमारा होगा द ऑप्शन वाला, अर्थात सिर पर उठा लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ये प्रश्न भी 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है, परिवार के झंझटों में फंसे रहना, किसी के चक्कर में पड़ जाना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, धन जोड़ने में लग जाना, धन जोड़ने में लग जाना। तो हमारा क्वेश्चन था 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसमें दोस्तों द ऑप्शन सही होगा, धन जोड़ने में लग जाना, धन को एकत्रित करने में लग जाना। अगला क्वेश्चन है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। बयार हवा, जैसी बहे हवा यानी बयार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना। उष्ण का अर्थ यहाँ पर गर्म है। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए।
अगला ऑप्शन, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, तो हमारी लोकोक्ति थी, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, तो इसका अर्थ होगा बै, कौन सा होगा बै, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, जैसा समय हो, जैसा समय चल रहा हो उसके अनुसार काम निकाल लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मांग अधिक आपूर्ति कम, मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो अर्थ हमें लोकोक्ति का दिया हुआ है मांग अधिक है पूर्ति कम है, इसके लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है ऊंची दुकान फीके पकवान, दूसरा ऑप्शन है एक पंथ दो काज, तीसरा ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा, चौथा ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार। तो दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मांग अधिक आपूर्ति कम और इसके लिए लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार, तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा, एक अनार 100 बीमार। हमारा आठवां प्रश्न, अगला प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। चार ऑप्शन है अकल पर पत्थर पड़ना, इसके चार ऑप्शन है मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना, प्रतिभावान होना। तो दोस्तों मूर्ख होना, बुद्धिमान होना और प्रतिभावान होना ये तो हो ही नहीं सकते। अब अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का नष्ट होना या भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, तो यहाँ पर हमारा बे ऑप्शन सही होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, ये हमें अर्थ दिया हुआ है, इसकी लोकोक्ति कौन सी है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि अर्थ दिया हुआ होता है और उसकी लोकोक्ति या मुहावरा पहचानना होता है, उसकी लोकोक्ति या मुहावरा में जानना होता है। तो स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड होना, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, गरजे पर बरसे नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। तो हमारा क्वेश्चन था स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न जाना, तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। अगला क्वेश्चन है घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ है, ये लोकोक्ति है घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, सोच करके बताना दोस्तों। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, सेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर भी डींग हाँकना। तो दोस्तों हमारा द ऑप्शन सही होगा कि घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करना, अर्थात डींग हाँकना, डींग करना, तो हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। तो पहला अर्थ, चार ऑप्शन है, पहला अर्थ दिया है एक साथ दो दो काम, एक साथ दो दो दोष, एक साथ दो दो दोष। अगला ऑप्शन है समय पर कार्य करना, अगला ऑप्शन है एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, और चौथा ऑप्शन है एक राह पर दो लोग साथ चलना। तो एक पंथ दो काज हमने पहले वाली वीडियो में अच्छी प्रकार से पढ़ा था कि एक पंथ दो काज का एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, अर्थात सही ऑप्शन एक प्रयत्न से दो काम हो जाना मुहावरे का अर्थ होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है हमारा अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, इसके भी चार ऑप्शन है आँखों से दिखाई न देना, आँखों से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहाँ धांधली का बोलबाला हो, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। तो अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है कि जानबूझकर यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट होना, विवेक नष्ट होना, तो अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, अर्थ है विवेक नष्ट, विवेक भ्रष्ट होना।
अगला प्रश्न है हमारा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है अपनी बुराई नहीं देखना, काम न जानना और बहाने बनाना। तीसरा ऑप्शन है न कारण होगा न कार्य होगा। चौथा ऑप्शन है परिश्रम का फल अंदर से उजाला जाता है, अंदर से उजाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अपनी बुराई नहीं देखना। हमारा क्वेश्चन था चिराग तले अंधेरा अर्थात अपनी बुराई नहीं दिखाई देती है, जब कोई अपने में जो अवगुण होते हैं, जो दोष होते हैं, वो खुद को यानी स्वयं को दिखाई नहीं देते। तो चिराग तले अंधेरे का सही अर्थ होगा दोस्तों अपनी बुराई नहीं दिखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा देखो ध्यान से देखना देखना दोस्तों, प्रश्न कैसा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ पर एक लोकोक्ति है और तीन मुहावरे, एक लोकोक्ति है तीन मुहावरे। तो हमने लोकोक्ति और मुहावरे दोनों पढ़े हैं, लोकोक्ति और मुहावरे दोनों पढ़े हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल, आंखें दिखाना। तो इसमें तीन तो है मुहावरे और एक है लोकोक्ति। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन अर्थात कौवा चले हंस की चाल ये लोकोक्ति है, बाकी दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, आंखें दिखाना ये मुहावरे हैं। तो हमारा जो प्रश्न है लोकोक्ति का चयन कीजिए, इसमें सही ऑप्शन सही होगा कौवा चले हंस की चाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 का, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ये क्वेश्चन भी 2018 LDC के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें भी तीन तो मुहावरे हैं, तीन मुहावरे एक लोकोक्ति है, ये हमें पहचानना है कि लोकोक्ति कौन सी और मुहावरे कौन से हैं। अगर हमने पिछले वाला लोकोक्ति और मुहावरे का वीडियो अच्छी प्रकार से देखा है, पढ़ा है, तो हम ये प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें, पहला पहला जो ऑप्शन है दम भरना, टांग अड़ाना। तीसरा ऑप्शन है एक पंथ दो काज। चौथा ऑप्शन है कमर कसना। तो हमारा क्वेश्चन है लोकोक्ति को पहचानना, तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, यानी एक पंथ दो काज ये लोकोक्ति है, बाकी दम भरना, टांग अड़ाना, कमर कसना ये मुहावरे। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। अगला क्वेश्चन है सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति का भावार्थ हमें देखना है, लोकोक्ति का भावार्थ हमें देखना है, निकालना है। ये प्रश्न ऐसा ही एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसके चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना, कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए। तो हमने लोकोक्ति पढ़ी है सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो इसका अर्थ है सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, आजकल बहुत सीधा साधा होने से काम नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है हमारा कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ लिखिए, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो इसके भी हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल बन जाना, कली का खिलकर फूल जाना। तो हमारा क्वेश्चन है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ, तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन अर्थात रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ। ये प्रश्न 2018 SI की एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक जल जाना, आशंका या संदेह होना, आशंका या संदेह होना। तो दाल में कुछ काला होने का भावार्थ यानी अर्थ होगा आशंका या संदेह होना, इसमें द ऑप्शन सही होगा आशंका या संदेह होना। हमारा अगला क्वेश्चन है
नौ दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ लिखिए। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है, तो 9 दिन चले 2.5 कोस के 4 ऑप्शन है। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले। तीसरा ऑप्शन, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसीलिए पैदल न चले, समय की बचत करे। तो हमारा क्वेश्चन था लोकोक्ति, और लोकोक्ति भी 9 दिन चले 2.5 कोस इसका भावार्थ है ए ऑप्शन, यानी काम करने की बहुत धीमी गति, अर्थात काम बहुत धीरे धीरे होता है, भाव काम बहुत धीरे धीरे किया जा रहा है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा, काम करने की बहुत धीमी गति। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां और लास्ट का। ये क्वेश्चन भी 2018 SI के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, यानी मुहावरे भी दे रखे हैं, उनका अर्थ भी दे रखा है, परंतु किसी न किसी एक मुहावरे का अर्थ गलत दे रखा है, भावार्थ गलत दे रखा है। देखते हैं कौन सा दे रखा है। पहला मुहावरा है कन्नी काटना पेच लड़ाकर पतंग काटना, कन्नी काटना पेच लड़ाकर पतंग काटना। दूसरा मुहावरा है कान खड़े होना सतर्क होना, ये भी बिल्कुल सही है, कान खड़े होना सतर्क होना, हो जाना। तीसरा ऑप्शन है पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात, ये भी सही है, सिर धुनना पश्चाताप करना, ये भी सही है। अब हमारा बचा ए ऑप्शन, कन्नी का काटना, अर्थात कन्नी का काटना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना या बहाने बनाकर काम से इनकार करना। कन्नी काटना बहाने बनाना या बहाने बनाकर काम से इनकार करना, काम को टालना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखे, कमेंट में ज़रूर लिखे, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।